अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना प्रूफ, यहाँ पर आप लोग देखिए 28 दिन के अंदर हमने 6000 घंटे का वॉच टाइम और 2000 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। अगर मोनेटाइजेशन की बात की जाए तो उसके अंदर सिंपल आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और अभी एक नई पॉलिसी भी आई जिसके अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज़ भी अगर ले लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बट हमने देखे जी यहाँ पर 28 दिन के अंदर उस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा वॉच टाइम ले लिए, उससे ज़्यादा क्या डबल हमने सब्सक्राइबर ले लिए हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लिए हैं। एक छोटी सी ऐप को इस्तेमाल किया है जो तमाम बंदे आप लोग इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको उसका सही इस्तेमाल नहीं आता। अगर आपको सही से इस्तेमाल कर लो तो आप लोग भी इस तरह अपना 28 दिन में अच्छी तरह से वॉच टाइम पूरा कर सकते हो, सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या आप में से बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जो वीडियो को डेली वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वॉच टाइम की, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, जो कि बहुत ही टफ टाइम है तमाम यूट्यूबर्स के लिए, जो बेसिकली नए यूट्यूबर्स हैं। तो अगर हम बात करें मेथड की जो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, तो उनका हमें एडवांटेज क्या है, उनमें से कौन से फेक है कौन से रियल है, और हमने किस तरह ये वाला काम किया और आपने किस तरह करना है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड की, तो वो है कौन से बेसिकली। तो सबसे बेसिक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू। आप सिंपल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर जाकर सिंपल सर्च कर लें सब फॉर सब या फिर व्यूज़ या फिर वॉच टाइम, इस तरह की आपके पास ढेरों एप्लीकेशन आ जाएंगी। और बहुत से बंदे जो नए बेसिकली आते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने कहाँ से वॉच टाइम लेना है और किस तरह करना है, तो वो बेसिकली यहीं पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं, इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उनके अंदर जाकर अपना वॉच टाइम कर लेते हैं। बहुत से बंदों का वॉच टाइम 21 दिन के अंदर पहले दिन में ड्रॉप हो जाता है, कुछ 7 डेज के बाद, और कुछ का स्टेबल रह जाता है लेकिन एक बड़ी मेहनत के बाद। बड़ी मेहनत क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं दी जाती। आपने किसी की वीडियो को वॉच करना है, किसी को सब्सक्राइब करना है, उसके बदले में आपको मिलना है। अगर आपने किसी को ही वॉच करना है तो आप अपना खुद क्यों नहीं वॉच कर सकते। इसलिए जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मोबाइल ऐप वगैरह, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और उसके अंदर वॉच टाइम जो आता है वो बहुत ही कम मिलता है और बेसिकली ज़्यादातर ड्रॉप हो जाता है। इसलिए मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि वो आप लोग इन एप्लीकेशन को यूज़ करें और इनसे वॉच टाइम करें। जो हमने तरीका यूज़ किया आप उसको यूज़ कर सकते हो और वो आपसे ज़रूर शेयर भी करेंगे, आपने उसको इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर के ऊपर डेस्कटॉप ऐप आ जाती है, जो कि सिंपल अगर फ्री में लेते हो तो वो काम नहीं करती। पेड वाली एप्लीकेशन बहुत सी मौजूद है जिसे आप लोग सॉफ्टवेयर भी बोल लेते हो, उसको बेसिकली हम बोलते हैं डेस्कटॉप ऐप। अब उसको यूज़ करके अपना वॉच टाइम कर सकते हो, उसके थ्रू तो आप लोग सिंपल एक दिन भी पूरा कर सकते हो और उसका ड्रॉप भी नहीं होता, वो रह जाता है और आपको सिंपल एक दफ़ा पे करना पड़ता है। अगर आप लोग वो भी नहीं करना चाहते, आपके पास कोर्स इतनी नहीं है, आप लोग पेड नहीं कर सकते, आप लोग स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर ऐसे बंदे हो जिनके पास जॉब नहीं है और ज़्यादा पैसा नहीं भर सकते, अपना सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करवा सकते, तो उनके लिए हमने सिंपल मेथड शेयर किया था जिसके अंदर आपने क्रोम ब्राउज़र की प्रोफाइल्स बना लेनी है और उसके थ्रू अपना वॉच टाइम कर लेना है। उसका कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। उसको वॉच करके अपना खुद वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं विद इन 4 और 5 डेज के अंदर अंदर, वो भी नॉन ड्रॉप आपका रहेगा। थोड़ी सी ड्रॉपिंग अभी चल रही है, यानी कि अगर 4000 घंटे करते हैं 200-300 ड्रॉप हो जाएगा। आप लोग इतना ही ज़्यादा किया करें कि वो स्टेबल होकर वापस पूरा ही हो जाए। ये हमारा होगा नंबर 3 के ऊपर। और उसके अलावा अभी लास्ट चीज़ जो हमने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हमने किस तरह वॉच टाइम किया है। बेसिकली आप लोग पहले जितने भी तरीके इस्तेमाल करते हो सारे के सारे YouTube की नज़र में फेक समझे जाते हैं, लेकिन उनसे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, ये कोई इशू नहीं आता। लेकिन हमारा मकसद क्या, चैनल को मोनेटाइज करना है। अगर तो आप लोग रीसेलर हैं कि चैनल को मोनेटाइज करके सेल करते हैं, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कोई भी जेन्युइन काम ना करें, सिंपल सब्सक्राइबर भी इसी तरह कर लें सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी से करवा लें, या फिर इन क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करके अपना सब्सक्राइबर पूरे करें, वॉच टाइम पूरा करें, चैनल को मोनेटाइज करके आगे सेल कर दें। ये तो है आपका एक अलहदा से बिजनेस, अलहदा से एक आइडिया। बट अगर आप लोग जेन्युइन बंदे हैं और अपना फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म काम लेके जाना है, तो फिर हमें इन वॉच टाइम से सब्सक्राइबर से कोई तल्लक नहीं रहता। ये तमाम चीज़ें हमारे जेन से फिर निकल जाती हैं। जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है हमारी अर्निंग, हमारे पैसे कैसे शो होंगे, हमें पैसे किस तरह मिलेंगे, और वो तब मिलते हैं जब आपका रियल वॉच टाइम आ रहा हो, रियल सब्सक्राइबर आ रहे हो। अगर आप किसी से बाय करते हो, बाय करने से चैनल मोनेटाइज होते हैं 100% होते हैं, लेकिन बाय करने से आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं होती। ये आपको अगर किसी बंदे ने गलत फहमी डाल रखी है, किसी बंदे ने बताया तो 100% गलत बताया। आप आज इसी को अभी से क्रॉस कर दें। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आपको वॉच टाइम बाय करने से, सब्सक्राइबर बाय करने से, या फिर डिफरेंट इन एप्लीकेशन को यूज़ करके चीज़ें पूरे करने से कभी भी पैसा नहीं मिल सकता। पैसा कमाना है तो फिर मेरा तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने यूज़ किया है, और जिससे आपकी 100 से भी ज़्यादा वॉच टाइम लिए, आपकी 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, और अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे 100 से बहुत ही ज़्यादा होगी हमारी।
आप लोग किस तरह कर सकते हो, बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपने एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है, वो है आपकी YT स्टूडियो ऐप। आप लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो ये पहले से यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने शुरू से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, लेकिन आपको इस्तेमाल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूट्यूब हमें दी क्यों है, बड़े जो नए यूट्यूबर आए हैं वो इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिंपल ये चेक करने के लिए मेरे कितने सब्सक्राइबर आ गए, मेरा कितना वॉच टाइम बढ़ गया, मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, इसके अलावा उसको देखते ही नहीं यार इसके अंदर है क्या चीज़, बेसिकली हमने यूज़ किस तरह करना है। अगर आप लोग इसको यूज़ करना सही सीख लेते हैं तो आपका वॉच टाइम दिनों में पूरा हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्या, इसके अंदर आपने चेक करना होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके किन किन और चैनल्स को देख रही है, यानी कि आपके अलावा और कौन कौन से चैनल्स हैं उनको वॉच कर रही है। आप लोग देखें कि वो बंदे कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करते हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी नई वीडियो आती हैं, और उनमें से जो वीडियो अपलोड करते हैं किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आपने उस टॉपिक को कवर करना होता है, उसके ऊपर आपने भी वीडियो बनानी होती है, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस उसको सर्च कर रही होती है और उस वक्त जो आपकी ऑडियंस है उसकी वो नीड होती है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने चेक करना होता है कि आपकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, यानी क्या सर्च हो रहा है, बंदों ने क्या चीज़ सर्च की है और आपकी वीडियो सामने आई है, यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर जो चैनल के ऊपर सर्चिंग हो रही है वो कौन कौन सी है, आपका कौन सा कीवर्ड है जो सर्च में जा चुका है, यानी कि आपने एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियो बनाई है, वॉच टाइम कैसे पूरा करते हैं, सब्सक्राइबर किस तरह पूरा करते हैं, व्यूज़ किस तरह लेते हैं, CPM वर्क क्या है, और आपने देखना है मंथ के एंड में कि यार मेरे जो ये कीवर्ड थे उनमें से कौन सा कीवर्ड है जो अभी भी सर्च हो रहा है, जो अभी भी व्यूज़ लेके आ रहा है, तो आपने उस कीवर्ड को दोबारा से वापस कवर कर लेना है, उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनानी है अच्छी सी। ये तो मानिए कि 2 चीज़ें, और अभी लास्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है जी, आपका कंटेंट वो आपका सही होना चाहिए। आप लोग ये ना बस सिंपल देखें कि भाई मैंने वीडियो बनानी है तो मैं पकड़ूं और बना दूं, कुछ भी बोल दूं, मैंने सिंपल अपना कीवर्ड कवर करना है, ये नहीं करना। अगर आपके पास कोई अपना नॉलेज नहीं है, यानी कि आपने वॉच टाइम के बारे में वीड़ियो बनानी है, आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं, यूट्यूब बड़ी पड़ी है इससे, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, पूरा दिन लगा रहे हैं सर्च करने में, यार मैं खुद जो आपके लिए वीडियो ले कहता हूँ सारी जहन से नहीं आती, कुछ सर्च करने से आती हैं, दूसरों को देखने से आती हैं, फिर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं हम, उसके बाद आपसे शेयर करते हैं कि भाई ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप लोग भी ये तरीका यूज़ करें। आप लोग बड़े यूट्यूबर्स को, छोटे यूट्यूबर्स को जहाँ से नॉलेज मिलता है वहाँ से हासिल करें, इकट्ठा करें, उसके बाद उसको समराइज करें, यानी इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करें कि भाई उसने ये किया तो ये गलती हो रही है, मैं अगर ये करूँ तो अच्छा हो सकता है मुझसे, तो अपने दोस्तों से अपने ऑडियंस से शेयर कर दें। अगर आप लोग एक जेन्युइन तरीका शेयर करना शुरू कर देंगे, अपनी ऑडियंस की हेल्प करना शुरू कर देंगे, तो आपके व्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। आप लोग फिर जैसे ही वीडियो अपलोड किया करेंगे तमाम बंदे आपकी वीडियो को वॉच किया करेंगे, उस वीडियो को कंप्लीट देखा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके नई चीज़ लेके आए होंगे और 100% उनको इनसे फ़ायदा भी होगा, और इससे ही आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। और यही वो तरीका जो मैंने यूज़ किया इस मंथ के अंदर, मैंने तमाम चीज़ें एनालाइज की, मैंने चेक किया कि भाई मेरे चैनल के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त वायरल जाती हैं, जिसके ऊपर मेरी ऑडियंस मौजूद है, जो मेरे बंदे मेरे साथ मिले हुए हैं, मेरी एक फैमिली है, वो क्या देखना चाह रही है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैंने दिन रात मेहनत करके सर्च किया, दूसरे यूट्यूबर्स को देखा, उनकी वीडियोज़ में से पॉइंट निकाला, उनको इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने आपसे वो शेयर किया, और आपने भी एक अच्छा सपोर्ट मुझे दिया, जिससे मेरी ये तमाम जो व्यूज़ आए हैं, मेरा तमाम वॉच टाइम आया वो बढ़ा। जब वॉच टाइम बढ़ता है ना आपका, जब आपकी ऑडियंस से टेंशन बढ़ती है, तो YouTube ऑटोमेटिक आपको आगे बंदों को सेंड करना शुरू कर देता है, और YouTube ने यही किया, एक अच्छे खासे हमें इंप्रेशन दिए, और वहां से हमारे पास नई ऑडियंस आई, उन्होंने भी हमें आकर सब्सक्राइब किया, क्योंकि उन्हें भी हमारा जो कंटेंट था वो अच्छा लगा। बेसिक चीज़ आपका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस आपके पास आ जाएगी। अगर कंटेंट अच्छा है, पहले 5 बंदे हैं, वही आपके लिए बेस्ट है, वो 5 बंदे पूरी वीडियो को देख लेंगे, नेक्स्ट 100 बंदों के पास जाएगी, वो 100 बंदे पूरी को देख लेंगे, नेक्स्ट 1000 के पास जाएगी, और इसकी गारंटी हम देते हैं। और बेसिकली यही वो ट्रिक है, यही वो तरीका है जो जेन्युइन है, 100% रियल है। अगर अर्निंग करनी है तो फिर आपको ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सिंपल आपने चैनल बनाना है, सेल करना है, या सिंपल आपका ख्वाहिश है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो फिर आप लोग मेरे साथ कमेंट में आ सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा भी है किससे आपने वॉच टाइम करना है। आई होप सो इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और रियलिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।